Student, in this video I'll teach you how to insert data into an empty AVL tree. Last tutorials में हमने algorithm देखा था, उसके बाद हमने कुछ kinds देखी थी AVL tree की, कि data किस किस तरीके से rotate होता है, कैसे imbalance critical node को आप balance करते हैं. तो अब हम एक एक करके सारा data insert करेंगे empty AVL tree में, ठीक है. और हम follow करेंगे algorithm जो कि हमने last video में discuss किया था. आपने एक एक करके data insert करना है, प्रोसेस फॉलो करना है बाइनरी सर्च ट्री का. आफ्टर इंसर्शन आपने चेक करना है बैलेंस फैक्टर, ठीक है. उसके बाद आपको अगर बैलेंस वैल्यू 10-1 मिलती है तो आपकी ट्री बैलेंस है. इंस्टीड ऑफ 10-1 आपको मिलती है कोई वैल्यू, ठीक है, इन थ्री वैल्यूज़ के अलावा तो आपकी ट्री क्या है, इम्बैलेंस है. तो आपने क्या परफॉर्म करनी है, सूटेबल रोटेशन. और आपको पता है रोटेशन कितनी होती है, 4 टाइप्स की होती हैं रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन, जिसे हम कहते हैं सिंगल रोटेशन भी है और डबल रोटेशन भी है. तो देखते हैं एक एक करके डेटा इंसर्ट करते हैं एम्प्टी बाइनरी एम्प्टी एवीएल ट्री में. तो मैंने 12 इंसर्ट कर दिया है. 12 इंसर्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये 12 आपका बैलेंस है या नहीं. आपको पता है 12 के ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है, दैट्स मीन इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 0-0=0. अब मैंने इंसर्ट किया क्या, 5. तो आपको पता है जब आप इंसर्ट करेंगे एलिमेंट एवीएल ट्री में तो आपने कैसे इंसर्ट करना है, आपने कौन सी लॉजिक लगानी है, आपने यूज़ करनी है बाइनरी सर्च ट्री की इंसर्शन लॉजिक, ठीक है. तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, आपके लेफ्ट पे आपके चाइल्ड छोटे होते हैं आपके पेरेंट्स से और राइट पे क्या होते हैं, बड़े. तो जब आप 5 इंसर्ट करेंगे, 12 हमने इंसर्ट कर दिया, अब हम क्या इंसर्ट करेंगे, 5. तो 5 क्या है, इस 12 से छोटा है, तो डेट्स मीन आपका 5 यहाँ पर इंसर्ट होगा, ठीक है. फिर आपने चेक किया इसका बैलेंसिंग फैक्टर, आप मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे. तो जो छोटा एलिमेंट होगा वो लेफ्ट पे आएगा, जो बड़ा एलिमेंट होगा आपके पेरेंट नोड से वो कहाँ पे आएगा, राइट पे आएगा. तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, बिकॉज देर इज़ नो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री, देर इज़ नो राइट पार्ट ऑफ द ट्री. यहाँ पे क्या है, 1-0, क्योंकि आपके लेफ्ट पे 1 है और राइट पे कुछ भी नहीं है, तो डेट्स मीन आपका बैलेंसिंग फैक्टर 1 है. तो 0 आ जाए, -1 आ जाए, 1 आ जाए, तो आपकी ट्री बैलेंस है. इसके अलावा कुछ आ जाए रादर देन, तो डेट्स मीन आपकी ट्री बैलेंस नहीं है. अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं. मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ. 12 इंसर्ट कर दिया था, 1 and 5 इंसर्ट कर दिया था. अब मैं 3 इंसर्ट करने जा रही हूँ. तो 3 में यहाँ पे 12 से छोटा है 3, तो लेफ्ट पे आया. 5 से भी छोटा है, स्मॉलर एलिमेंट है, तो आपका 3 यहाँ पे आ गया. जैसे ही मेरा 3 यहाँ पे आ गया, मैंने चेक किया कि यहाँ पे मेरी रोटेशन अप्लाई हो रही है. कौन सी रोटेशन अप्लाई हो रही है, आपने चेक किया, ट्री की शेप आपकी ऐसे बन रही है, ठीक है. तो डेट्स मीन आपकी कौन सी रोटेशन अप्लाई हो रही है, आपकी राइट रोटेशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे. तो राइट रोटेशन में हम करते क्या है, बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटेजी है हमारी राइट रोटेशन की. आपने क्या करना है, डेटा को यहाँ पे मूव कर देना है, ठीक है. तो देखें यहाँ पे लिख भी दें कि आपकी राइट रोटेशन अप्लाई हो रही है, तो आपने डेटा को मूव कर देना है. कैसे मूव किया आपने डेटा को, आपका 5 क्या रहा, आपका 5 यहीं रहा, जबकि आपका 12 कहाँ गया, यहाँ पे मूव कर गया. अब आपकी ट्री क्या हो गई, बैलेंस. इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 1-1 0. इसका क्या है, 0-0 0 0-0 0, नॉट योर ट्री इज बैलेंस परफेक्टली. अब हमें क्या इंसर्ट करना है, हमने सक्सेसफुली 3 इंसर्ट कर दिया. अब हम 10 इंसर्ट करते हैं, तो 10 हम यहीं पर इंसर्ट कर देते हैं. 5 से बड़ा है 10, तो राइट पे आया. 12 से भी बड़ा है, सॉरी 12 से छोटा है, दैट्स मीन लेफ्ट पे आया. अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है क्या, 10. तो 10 आपका ये 50 नहीं है, ये बैलेंसिंग फैक्टर है, याद रखिएगा ये बैलेंसिंग फैक्टर है. 10 से बड़ा था, डेट्स मीन राइट पे आया, बट 12 से छोटा था, डेट्स मीन कहाँ पे आया, लेफ्ट पे. अब मैंने चेक किया आपकी ट्री बैलेंस है, तो देख लें आपकी ट्री बैलेंस है. 10 पे आपका क्या है, 0-0 0, 12 क्या है, 1-0 1-0, तो क्या आया, 1, क्योंकि आपका यहाँ पे 1 होने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 बैलेंस है. यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका क्या है, 1, और यहाँ पे आपका क्या है, 2, तो 1-2 -1, आपकी ट्री क्या है, बैलेंस है, ठीक है. तो यानी कि मैं अगेन इंसर्ट कर सकती हूँ. तो इस ट्री को यहाँ कॉपी कर लेते हैं पहले, क्योंकि आपकी बैलेंस ट्री है, और उसमें अगला नोड हम इंसर्ट इस तरीके से हम करते चले जाएंगे और चेक करते चले जाएंगे आफ्टर इंसर्शन कि कौन सा नोड क्रिटिकल नोड बन रहा है और कहाँ पे आपकी ट्री इम्बैलेंस हो रही है. तो अब हम क्या इंसर्ट करेंगे, अब हम इंसर्ट करने वाले हैं 4. तो देखिएगा 4 इससे छोटा है, बट इससे क्या है, बड़ा. तो 4 आपका कहाँ पे इंसर्ट हुआ, आपका इंसर्ट हुआ यहाँ पे. जैसे मैंने 4 इंसर्ट किया, आफ्टर इंसर्शन आई हैव टू चेक अगेन कि मेरी ट्री बैलेंस है या फिर नहीं है, ठीक है. तो चेक कर लेते हैं ट्री बैलेंस है या नहीं. 5 को चेक करते हैं, 5 के लेफ्ट पे भी 2 है हाइट और 5 के राइट पे भी 2 है हाइट. देखें 1-2 1-2, तो दैट्स मीन 2-2 क्या हो गया, 0, बैलेंस है आपका 5 नोड. 12 को चेक करते हैं, 12 के लेफ्ट पे 1 है, राइट पे कुछ भी नहीं है, तो 1-0 दिस इज 0 1. 10 के लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है, तो 0-0 इज इक्वल टू 0. 3 के
लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, बट राइट पे एक नोट है, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। 4 का क्या है? 0। तो आपकी ट्री क्या है? परफेक्ट है। 0 1 0 0 -1, यानी कि आपकी ट्री में कोई मिस्टेक नहीं है, ये आपका बैलेंसिंग नोड है, बैलेंसिंग नोड, बैलेंसिंग वैल्यू, बैलेंसिंग वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि इस ट्री में मैं फर्दर इंसर्शन कर सकती हूँ। मैं स्टेप 5 पे आई, अब मैं इंसर्ट करती हूँ डेटा एलिमेंट देखते हुए क्या, 6। तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पे इस ट्री में क्या इंसर्शन करने जा रही हूँ, 6 को। यहाँ पे 6 है, मैं यहाँ पे 6 इंसर्ट करने जा रही हूँ। तो प्रीवियस ट्री मैंने कॉपी किया, यहाँ पे क्या था, 5 था, तो 5 लिखा, 5 के बाद 3, देन आपका 12 था, 3 से अटैच आपका राइट पे 4 था, और 12 के लेफ्ट पे 10 था। अब आपने क्या इंसर्ट करना है यहाँ पे, 6। तो देखिएगा, 6 5 से बड़ा है बट 12 से छोटा है, अगेन 10 से भी क्या है, स्मॉल है, दैट्स वाई कहाँ पे इंसर्ट होगा, 10 के लेफ्ट पर। अब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपकी शेप अगेन ऐसी बन रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक हैंड आउट भी दिखा देती हूँ, आपकी शेप ऐसी बन रही है, यानी कि ऐसी शेप जब भी बनती है आपकी ट्री क्या हो जाती है, इम्बैलेंस। तो ये आपकी ट्री इम्बैलेंस, और आपका क्रिटिकल नोड क्या है, 12। 12 के राइट पे 2 है और लेफ्ट पे क्या है, कुछ भी नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 12 के राइट पे 2 हाइट है और राइट पे क्या है, 0 हाइट। तो 2 माइनस 0, 2 क्रिटिकल नोड है, जबकि 10 आपका बैलेंस है, 6 आपका बैलेंस है, 4 आपका बैलेंस है, 3 आपका बैलेंस है। ठीक है, तो 12 आपका इम्बैलेंस हो रहा है। 5 को चेक करने से पहले पहले मैंने नीचे चेक किया, ठीक है, क्या आपका 5 बैलेंस है, 5 को भी चेक कर लेते हैं। तो 5 के लेफ्ट पे 2 है और 5 के राइट पे 1 2 3, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, यानी कि आपका 5 भी बैलेंस है। इसकी 0 हाइट, इसके 0 है आपका वेटेज, इसका 0 वेटेज है, इसकी 0 बैलेंस फैक्टर है, बैलेंस वैल्यू है, जबकि यहाँ पे 2 आ रही है, दैट्स मीन 12 इज योर क्रिटिकल नोड, 12 इट्स योर क्रिटिकल नोड। आपने 12 को बैलेंस करना है। और ये जो ट्री बन रही है, कौन सी ट्री बन रही है, अगेन राइट रोटेशन। तो यहाँ लिख भी देते हैं, ये जो आपकी रोटेशन अगर हो रही है, आपकी कौन सी रोटेशन है, राइट। तो स्टिल अभी देखें, आपके इस ट्री में कोइंसिडेंस है कि राइट रोटेशन दोबारा अप्लाई हो रही है। तो कोई भी रोटेशन अप्लाई हो सकती है, लेफ्ट राइट हो, राइट लेफ्ट हो। अब हम 6 पार्ट पे आ रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, आपको पता है, इसको मैं यहाँ ले आऊँगी। तो देखिएगा, 5 मेरा ऐसे ही रहा, 3 मेरा यहाँ आ गया, 4 मेरा इस तरफ आ गया है, ठीक है, और लेफ्ट पे मेरा क्या आ गया, 10, 6 मेरा एज इट इज़ रहा, और 12 आपका कहाँ आ गया, नीचे मूव कर गया। अब आपकी ट्री देखें, बैलेंस हो गई, 10 के लेफ्ट पे भी 1 है, राइट पे भी 1, 10 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 0, 6 का भी 0, 12 का भी 0, 4 का 0 था पहले, 3 का 0 था, 5 का क्या हो गया, 2 इधर, 2 इधर, 2 लेवल इधर, 2 लेवल इधर, 2 माइनस 2, 0, यानी आपकी ट्री क्या हो गई, परफेक्टली बैलेंस। नाउ यू कैन इंसर्ट अदर एलिमेंट। तो हमने 6 का इंसर्ट कर दिया, तब हम 7 इंसर्ट कर रहे हैं। अब 8 भी आप इंसर्ट कर सकते हैं फ्री टाइम में, इसको आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको 7 इंसर्ट करके बता रही हूँ। तो अब इसमें मैंने 7 इंसर्ट करना है, 5 से बड़ा है 7, यस, तो राइट पे आया, 10 से छोटा है तो लेफ्ट पे आया, बस 6 से बड़ा है, तो आपका 7 कहाँ इंसर्ट हो गया, यहाँ पे जनाब, ये आपका 7 इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंसर्ट 7। अब आप चेक कर लें आपकी ट्री बैलेंस है, तो लेट मी सी, इस साइड पे कुछ भी नहीं है 3 के, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 3 का फैक्टर क्या है, -1, 4 का 0 है आपको पता है, 5 के लेफ्ट पे भी 2 पार्ट्स हैं, 2 हाइट है सब ट्री की, और 5 के राइट पे 1 2 3 3, तो 2 माइनस 3 क्या बना, -1, तो यानी कि आपका बैलेंस है 5, 5 भी बैलेंस है, 3 भी बैलेंस है, 4 भी बैलेंस है, 7 भी आपका बैलेंस है, 6 के क्या है, राइट पे, सॉरी लेफ्ट पे क्या है 6 के, 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 बैलेंस है। 12 क्या है, 0 इसकी ना लेफ्ट पे है ना राइट पे, 10 के लेफ्ट पे 2 हाइट है जबकि 10 के राइट पे 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 बैलेंस, यानी कि आपका पूरा ट्री है बैलेंस है। अब आप ट्री में क्या इंसर्ट करेंगे, लास्ट एलिमेंट जो कि क्या है, 8। ये देखिएगा, ये ट्री को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, जो हमारा लास्ट ट्री बना है इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, और फिर मैं इंसर्ट करूँगी लास्ट एलिमेंट में। यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा कॉपी कर रही हूँ, जो हमारा फाइनल ट्री बना है यहाँ पे। तो 6 को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, 5 बना, 3 4, देन 10 6, और क्या था आपका, 12, और यहाँ पे था 7, जो कि आपकी परफेक्ट बैलेंस ट्री थी। अब हमारा लास्ट एलिमेंट रह गया था इंसर्ट करने का क्या, 8। तो फाइनली आई एम इंसर्टिंग हेयर अगेन 8। तो सी व्हाट आई एम डूइंग, 8 जो है वो 5th से स्टार्टिंग से आपने नोट से चेक करना है, 8 इससे बड़ा है तो राइट पे आया, बट 10 से क्या है, स्मॉलर है, तो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट पे। 6 से बड़ा है 8, राइट पे, ठीक है, 7 से भी बड़ा है तो राइट पे आ गया। अब आप यहाँ पे
इट्स अमेजिंग, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी शेप ऐसी बन रही है, दैट्स मीन जो आपकी शेप बन रही है, लेट मी शो यू, वो कैसी बन रही है, ऐसी, ऐसी नहीं बन रही, ऐसी हमारी पहले बनी थी, अब कैसी बन रही है, ऐसी, दैट्स मीन कौन सी रोटेशन है, लेफ्ट रोटेशन, आपने क्या अप्लाई करना है, लेफ्ट, यानी कि आपने इस साइड का डेटा क्रिटिकल नोट कहाँ ले आना है, नीचे। तो देखिएगा मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ आपकी कौन सी रोटेशन है, लेफ्ट रोटेशन, तो आपने क्या कर देना है, इसको मूव कर देना है यहाँ पर। तो देखिएगा अब लेफ्ट रोटेशन देखें क्या, क्यों है यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन, आपकी सिक्स बैलेंस नहीं है, आपका एट बैलेंस है, एग्री, जीरो माइनस जीरो, आपके सेवन पे क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो माइनस वन, माइनस वन, ये भी बैलेंस है, ट्वेल्व क्या है, जीरो, ठीक है, टेन बैलेंस है, लेट मी चेक, टेन के लेफ्ट पे जो है वन टू थ्री, थ्री माइनस वन क्या हो गया, टू, यानी कि आपका टेन भी क्या है, बैलेंस नहीं है, लेकिन टेन से पहले आपका सिक्स बैलेंस नहीं है, जो नीचे का नोड है पहले आपने वो चेक करना है, ठीक है, अगर नीचे का नोड अप्लाई करके आपका ट्री फिर भी बैलेंस नहीं होता तो आपने फिर डबल रोटेशन अप्लाई करनी है, सॉरी आपने फिर रोटेशन अप्लाई करनी है, फिलहाल टेन से पहले मैंने सिक्स को चेक किया क्योंकि सिक्स की शेप ऐसी बन रही थी, दैट्स मीन आपकी लेफ्ट रोटेशन अप्लाई हो रही है, और क्योंकि सिक्स आपका बैलेंस नहीं है, सिक्स के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं था, तो जीरो माइनस का टू यहाँ बन रहा है माइनस टू, जीरो माइनस का टू क्या बन रहा है बैलेंसिंग फैक्टर, माइनस टू, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पे जीरो, राइट पे क्या है टू, जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू। अब आपने इसको बैलेंस करना है तो देखें मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ, थ्री ये फोर तो एज इट इज आ गया भाई, क्योंकि ये आपका बैलेंस था, थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन, ठीक है, ये भी आपका बैलेंस था, तो जहाँ मसला हमारा क्या कहाँ हुआ, फाइव आपका देखते हैं टू, और ये वन टू थ्री, फाइव भी आपका बैलेंस नहीं है, टेन भी आपका बैलेंस नहीं है, सिक्स भी आपका बैलेंस नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपने उस नोट को चेक करना है, ठीक है, किस नोट को चेक करना है, जो पहले अकर हो रहा है, तो पहले क्या है सिक्स, और सिक्स आपकी शेप बना रहा है जो रोटेशन शेप में आ रही है, तो पहले आपने उसको क्या करना है, बैलेंस। तो देखिएगा मैंने टेन को एज इट इज़ कॉपी किया, ट्वेल्व एज इट इज़ इसके साथ मैंने अटैच किया उसका लिंक, सिक्स को मैं नीचे ले आई, सेवन मेरा पेरेंट बन गया, तो ये आ गया सिक्स और ये आ गया एट। नाउ यू कैन चेक अगेन, अब आपकी ट्री बैलेंस हुई या नहीं हुई, अगर आफ्टर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने के बाद आपकी ट्री बैलेंस नहीं होती है तो फिर आपने ऑब्जर्व करना है और फिर बैलेंस करना है। फिलहाल मैंने ये सिंपल सा केस लिया है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, ये ट्री हमारी फाइनल बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लेते हैं इस ट्री को, एट के ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे, तो जीरो माइनस जीरो इसका बैलेंसिंग फैक्टर जीरो, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या आया, जीरो, सिक्स के ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे जीरो, सेवन के लेफ्ट पे भी वन है राइट पे भी वन है तो वन माइनस वन जीरो, ट्वेल्व के ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर जीरो, टेन के लेफ्ट पे वन टू हाइट है जबकि टेन के राइट पे वन तो टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, फोर के ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे तो जीरो, थ्री के लेफ्ट पे जीरो है और राइट पे वन तो माइनस वन क्या हुआ, माइनस वन, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेफ्ट माइनस का राइट, तो ये आ गया माइनस वन, और माइनस वन आ जाए जीरो आ जाए तो आपकी ट्री क्या है, बैलेंस। मसला कब है, जब टू आए थ्री आए, ठीक है, इन वैल्यूज़ के अलावा है। फाइव को चेक करते हैं, फाइव के लेफ्ट पे वन टू हाइट, राइट पे वन टू थ्री हाइट, तो टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, अमेजिंग, यानी कि आपकी फाइनल बन गई क्या, एवियल ट्री और बैलेंसिंग एवियल ट्री आपकी फाइनल क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो देखिए सिक्स को चेंज करने के बाद, सिक्स सेवन एट पे लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने के बाद आपके सारे नोट क्या हो गए, ऑटोमेटिकली क्या हो गए, बैलेंस हो गए। आई होप यू लाइक माई वीडियो, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़।